हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर गालिब MBBS इंटरनेट कटिहार मेडिकल कॉलेज। तो जैसा कि आप सभी को पता है, MBBS इंटर्नशिप का 6 महीना कंप्लीट हो चुका है और हम लोग को हॉस्टल चेंज करने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से नोटिस आया था। तो पहले था कि बॉयज हॉस्टल 4 से बॉयज हॉस्टल 3 में इंटर्न वाले बैच को शिफ्ट किया जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एट लास्ट मोमेंट हम लोग को कैंपस के अंदर इंटर्न हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया जाता है। ये भी हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, बट बॉयज हॉस्टल 4 ज़्यादा अच्छा था। ये इसलिए शिफ्ट करना पड़ा मैनेजमेंट को क्योंकि न्यू स्टूडेंट आने वाले थे और उनके लिए हॉस्टल में रूम नहीं बचा हुआ था। तो हम लोग को अंदर शिफ्ट करने के बाद बहुत सारा रूम वहाँ पे वैकेंट हो गया और उस रूम को नए स्टूडेंट को अलॉट कर दिया गया। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कैसे अपने सामान को हम लोग पैक किए और यहाँ शिफ्ट हुए और कितना मुश्किल हुआ हम लोग को शिफ्ट करने में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। देखिए, कभी भी रूम शिफ्ट करना आसान होता नहीं है, बट कॉलेज की तरफ से नोटिस था, रूम शिफ्ट करना था, कैंपस के अंदर जाना था, उसका अलग एक्साइटमेंट था, तो हमको रूम चेंज करना ही था। सारे स्टूडेंट एक्साइटेड थे और हम भी एक्साइटेड थे, तो अपना सामान को निकालते हैं, अपने कपड़े को फोल्ड करते हैं और अपने बैग में रखते हैं। जाहिर सी बात है, कपड़ा बहुत ज़्यादा था और बैग भी हमने 2 रखा और उसको सिस्टमेटिक वे से फोल्ड करने के बाद उसको पैक करके हम चलते हैं बुक कॉपी की तरफ। और फिर अपने बुक को, कॉपी को, किताब को अच्छे से पैक करके उसको रस्सी से बांध देते हैं ताकि वो रास्ते में कहीं खुल के गिरे नहीं। बुक भी बहुत ज़्यादा था ताकि क्योंकि 3 से 4 साल का बुक था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, मैरो और प्रेप का नोट्स भी था और बहुत सारा कॉपी था। सारे सामान को हम पैक करने के बाद उसको गाड़ी से हम लेके आते हैं अपने इस हॉस्टल की तरफ। तो देखिए, बहुत सारे लोग हॉस्टल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने सामान को पैक करके अंदर ले जा रहे हैं। हम लोगों के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट भी था, काफ़ी लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बट थकान बहुत ज़्यादा हो गया था, सामान भी बहुत ज़्यादा था। तो कॉलेज की तरफ से स्टाफ भी मिला हुआ था सामान को शिफ्ट करने के लिए, तो थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग आपस में कोऑपरेट करके सारे हम लोग शिफ्ट कर लिए हैं। और देखिए, हम भी अपना सामान लेके जा रहे हैं रूम में, और रूम में सामान रखने के बाद देखिए, रूम में काफ़ी सामान बिखरा हुआ है, रखा हुआ है। इसको सजाने में, संवारने में हमको बहुत सारा टाइम लग गया, कम से कम 3 से 4 घंटा लग गया। उसके बाद जब संवारने के बाद देखिए, हम आपको दिखाते हैं कैसा है। तो ये देखिए, जूते को, अलमीरा को, चारों तरफ हर जगह बेड को सिस्टमेटिक रख दिए हैं। बुक तो वैसे ही पैक है क्योंकि 6 महीना बचा हुआ है, तो अगर मन किया तो पढ़ लेंगे। ये पर्दा लग गया है और टेबल वगैरह पे सारा बुक रख दिए हैं, यहाँ पे कोट वगैरह ऊपर बैग। और रूम को सिस्टमेटिक वे में सजाने के बाद हम काफ़ी थक गए थे, मेरा तबीयत भी ख़राब हो गया था, हल्का हल्का बुखार हो गया था और नाक से एकदम पानी तो बह रहा था, सर्दी हो गया था। तो हमने दवा खाया और दवा खा के आराम से बेड पे लेट गए। और लेटने के बाद फिर सुबह क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन अभी के लिए इतना ही इस वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर।